नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में मैथ से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले लेक्चर को जिसका नाम क्या है जोड़ और घटाओ जोड़ और घटाओ एडिशन एंड सब जोड़ और घटाओ जोड़ और घटाओ को करेंगे स्टार्ट जोड़ और घटाओ ये मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत रखे गए हैं बेसिक कैलकुलेशन कहने का मतलब क्या है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वहां पे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने को मिल ही सकते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट केसेस में आगे देखिए जिन्हें बेसिक से मैथ सीखना हो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है अगर आपको ये चीजें मालूम होगी तो आपको देखने की जरूरत नहीं है अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको बेसिक से सीखने की जरूरत है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है कुछ चीजों को जहाँ पे लगेगा हमको ट्रिक चाहिए वहां पे मैं आपको ट्रिक्स भी बताते चलूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को टॉपिक में क्या है तो देखिए यहां एक चीज और समझ लीजिए यूपी टेट में यूपी टेट में थर्टी मार्क्स का मैथ्स आता है है ना और सुपर टेट में टेन मार्क्स का मैथ्स आता है आप सभी को ये पूरा नंबर मिलेगा बस आप विश्वास रखिए ठीक है भरोसा रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए तो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी देखिए यहां पे बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की बेसिक ऑपरेशंस ये क्या है हम लोगों का मेन टॉपिक है मेन टॉपिक में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है तो जोड़ घटाओ गुड़ा और भाग जिसको बेसिक कैलकुलेशंस में रखा गया है फिर पढ़ेंगे का का नियम नियम क्या पढ़ेंगे का नियम। और फिर बीज बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग और संख्या पद्धति मीनस नंबर सिस्टम को चलिए अब स्टार्ट करते हैं जोड़ और घटाओ इन दो टॉपिक को आज कवर करेंगे आपको बेसिक से चीजों को समझाया जाएगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप चीजों को बड़ी ही आसानी के साथ समझते हुए आगे बढ़िए है। देखते हैं नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है इन्हीं से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर को जानकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो हर एक चीज आराम से आपको समझ में आए तो चलिए बात करते हैं नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या है नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं क्या होता है ये प्राकृतिक संख्याएं ध्यान से समझिए जैसे हमें किसी भी चीज को काउंट करना होता है जब जब हम किसी भी चीज की गणना करते हैं उनको गिनते हैं जैसे यहां पे समझिए यहां पे मैंने कुछ ट्री बना दिया और आपसे बोला कि इसको काउंट करके बताइए यहां पे कितने पेड़ हैं आप काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन अगर और पेड़ होंगे तो और आप गिनते हुए चले जाओगे तो वन टू थ्री फोर फाइव एक दो तीन चार पांच ये क्या है तो गिनती गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं है ना गिनती गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा वन से स्टार्ट होती हैं एक से गिनना हम स्टार्ट करते हैं ठीक है एक से गिनना स्टार्ट करते हैं किसको प्राकृतिक संख्याओं को और होल नंबर्स क्या होता है जब जब प्राकृतिक संख्याओं के, के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाए जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर दिया जाता है तब उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं या फिर उन्हें होल नंबर्स बोला जाता है ठीक है ये चीज आप समझ गए होंगे तो देखिए यहां पे एक कंसेप्ट और समझिए प्राकृतिक संख्याओं को एन से डिनोट किया जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है और होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर्स को डब्ल्यू से दिखाते हैं ठीक है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है एक को छोड़ के एक को छोड़ के हर एक प्राकृतिक संख्या एक जोड़ के बनती है है ना एक जोड़ के बनती है और क्या समझिए जो जीरो है जीरो को जीरो की खोज इंडिया में हुई वो भी किसने किया था तो आर्यभट्ट ने किया था आर्यभट्ट ने किया था क्या जीरो की खोज और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इनको हम एक साथ अगर जीरो के साथ पढ़ते हैं तो ये होल नंबर के अंतर्गत और वन टू थ्री फोर फाइव ये प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर के अंतर्गत रखा जाता है जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको याद करना है पता रख लेना है. एक चीज और याद रखिए फैक्ट क्या है जीरो जो होता है ये सबसे छोटा पूर्ण संख्या है जीरो क्या है सबसे छोटा पूर्ण संख्या सबसे छोटा पूर्ण संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जीरो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या समझना है होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा देखिए अब बात करते हैं साइन एंड सिंबल्स की साइन एंड सिंबल्स की बात करते हैं साइन एंड सिंबल्स क्या होते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ सिंबल्स यहाँ पे गिवेन है कुछ सिंबल्स यहाँ पे गिवन है और यहां पे आप देखिए सबसे पहला जो साइन है सबसे पहला जो साइन साइन मींस क्या हो गया चिन्ह और उसके निशान प्रतीक तो क्या क्या होते हैं यहाँ पे बताइए ये किसका सिंबल है आप बहुत पहले ही देखा होगा आपने ये किसका सिंबल है तो ये है एडिशन का सिंबल किसका सिंबल है एडिशन का सिंबल है ये किसका एडिशन मीन्स क्या हो गया जोड़ दूसरा किसका सिंबल है तो दूसरा है किसका दूसरा है सबट्रैक्शन घटाओ का ठीक है ये एडिशन का है ये सबट्रैक्शन का है ये किसका है तो ये गुड़ा का है मल्टीप्लीकेशन गुड़ा का ये किसका सिंबल है क्या बोलते हैं बराबर ये क्या है इज लेस लेस देन छोटा है ना से छोटा और इसको क्या बोलेंगे इज मोर देन या फिर इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन बड़ा परसेंटेज ये क्या है परसेंटेज ये किसका सिंबल है तो ये डिग्री डिग्री ये किसका है तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो आप देखिए पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया डिवीजन हो गया और इक्वल टू इज लेस देन इज मोर देन परसेंटेज डिग्री इन फाइनाइट इन फाइ नाइट ठीक है आगे देखिए इसका मतलब क्या हो गया नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल ये क्या हो गया इसको बोलते हैं क्यूब रूट क्यूब रूट ये क्या है स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ये क्या है तो पाई है क्या है पाई ये क्या है थीटा थीटा ठीक है इसको बोलते हैं एस्ट्रिक 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 यह क्या है एप्रोक्स मिटली इक्वल एप्रोक्स मिटली इक्वल इसको क्या बोलते हैं स्लैश या फिर डिवीजन स्लैश डिवीजन इसको क्या बोलते हैं तो पैरेंथेसिस या फिर ब्रेकेट पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रिकेट भी इसको बोला जाता है तो ये साइन एंड हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है और इसका आप स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ठीक है अप्रॉक्सिमेटली इक्वल एस्ट्रिक थीटा पाई स्क्वायर रूट क्यूब रूट एंड नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ओके आइए टॉपिक पे आते हैं हम पूर्ण संख्याओं में योग किस तरीके से होता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले इसमें क्या समझना है तो इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझना है प्लेस वैल्यू क्या होता है कौन से स्थान पे है नंबर्स क्या, क्या है तो देखिए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम यहां पे मैं आपको बताऊंगा चीजों को ध्यान से समझिएगा देखिए चार्ट फॉर इंडियन सिस्टम आप समझे यहाँ पे जैसे आपको फोर थ्री टू लिखा गया है टू ये वन्स प्लेस पे होता है ये टेंस प्लेस पे होता है ये हंड्रेड प्लेस पे होता है हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई, दहाई सैकड़ा सैकड़ा तो इकाई में एक से गुड़ा होता है टू वंजा टू हो गया दहाई में दस से गुड़ा तीस हो गया और सैकड़े में सैकड़े में किससे सौ से गुड़ा होगा कितना आंसर हो जाएगा यहां पे चार तो दो तीस और चार सौ इसका क्या है स्थानीय मान है यहां पे देखते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से चीजें अकर होती हैं. चार्ट फॉर इंडियन सिस्टम तो सबसे पहले यहां पे लिखें क्या वन, जिसको बोलते हैं इकाई टेंस, बोलेंगे दहाई हंड्रेड सैकड़ा हो गया थाउजेंड हजार हो गया वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ठीक है दस हजार फिर क्या हो गया लाख टेन लाख फिर करोड़ करोड़ और क्या हो गया टेन करोड़ दस करोड़ ठीक है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ ठीक है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा यहां पे तो सेम यही चीजें होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम के लिए क्या चीजें होंगी तो ध्यान से समझिए यहां भी हो गया क्या वंस टेंस हंड्रेड उाउजेंड टेन थाउजेंड अब इधर हो जाएगा हंड्रेड थाउजेंड क्या हो जाएगा हंड्रेड थाउजेंड वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन हंड्रेड मिलियन तो ये प्लेस होता है किसमें इंटरनेशनल में इंडियन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों चार्ट आपको मालूम होने चाहिए दोनों चार्ट आपको मालूम होने चाहिए चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं एक्सरसाइज को ऐड दी फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस को हमको क्या करना है ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड होगा यहां पे आपको क्या बताना ऐड दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली ओरली ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मॉक ही से आठ और छ कितना होता है बताइए आप आठ और छह कितना हो गया चौदह हो गया फोर्टीन सात और छ तेरह नौ और सात सोलह आठ तीन ग्यारह नौ छ पंद्रह दस और दस बीस पंद्रह दस पच्चीस पैंतीस पैंतीस सत्तर पचास पचास सौ ये है मौखिक रूप से इसका आंसर तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये तो जनरली क्वेश्चन है इसे ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है नौ और नौ कितना होता है या फिर कहीं आप कुछ सामान वगैरह खरीद रहे हो इन कैलकुलेशन को आप वहां पर यूज कर सकते हो तो ओरली हो गया ये आगे देखते हैं एड अब इनको एड करना है इनको करना है एड किस तरीके से ऐड करेंगे आइए बात करते हैं थोड़ी ट्रिक के माध्यम से भी सबसे पहले यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में लिखा गया है तो ये हॉर्जेंटल फॉर्म में है टल फॉर्म में लिखा गया है अगर आपको इसको ऐड करना होता है तो सबसे पहले आप इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करते हो ट्वेंटी थ्री तरीके से अब इसके प्लेस को राइट कर लो ये प्लेस हो गया ये टेंस प्लेस हो गया या फिर ये इकाई का स्थान हो गया ये दहाई का स्थान हो गया ठीक है तीन और दो को ऐड करते हो तो तीन और दो को ऐड करने पर आपको आंसर पांच मिलता है दो और छ को ऐड करने पर आपको आंसर आठ मिलता है पचासी हो गया ठीक है ये नॉर्मल है अब मैं यहां पे आपको ट्रिक बताऊंगा ट्रिक का यूज कैसे आप करोगे ये समझो देखो ट्रिक का यूज कैसे करना है ट्रिक काम क्या है पे तो दो और तीन प्लस छ और दो इसको इसको ऐड करो इसको इसको ऐड करो छ और दो को ऐड करोगे कितना आंसर आएगा आठ आठ को कभी भी अकेले नहीं लिखना है इसको दो डिजिट में राइट करना है तो आठ का प्लेस पे क्या हो गया आठ 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 के प्लेस, प्लेस आट, जीरो और हो गया दूसरी जगह देखिए तीन और दो को ऐड करोगे पांच आएगा अब लिखने का जो तरीका है वो इधर से ऐसे जीरो और पांच अब इसको ऐड कर दीजिए ये क्या हो गया पांच ये क्या हो गया आठ पचासी ऊपर भी पचासी था नीचे भी पचासी है आंसर आपका एकदम सेम है करेक्ट है समझ में आई आपको बात देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा फिर आप सभी क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा इसका आंसर आ गया इसका आंसर आप सेम ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन मैं पे आपको <coughs> सॉरी इसको इसके साथ पेयर बनाओ इसको इसके साथ पेयर बनाओ इसको इसके साथ पेयर बनाओ, बनाओ ठीक है तो तीन और दो को ऐड करोगे कितना आंसर आएगा पांच दो और छे को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा आठ चार और पांच को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा नौ सब एक साथ राइट कर दो नौ आठ पांच जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो फाइव हंड्रेड एट्टी नाइन इसका आंसर आ गया है इस आंसर को आइए चेक कर लेते हैं हम वर्टिकल मेथड से भी तो थ्री टू फोर टू सिक्स फाइव एड कीजिए फाइव और फोर कितना हो गया नाइन सिक्स और टू कितना हो गया एट थ्री और टू कितना हो गया फाइव ये आपके लिए आसान हो या ये आपके लिए आसान हो दोनों में से किसी एक मेथड को आप इजिली फॉलो कर सकते हो समझ में आई आपको बात चलिए ये इस मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है एक मेथड और यहाँ पे देखते हैं ये वाला चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो जो चीजें आपको बड़ी लगे जिसमें आपको लगेगा कि भैया हम इसमें फंस सकते हैं उसको आप नॉर्मल तरीके से भी कर लीजिए उसको आप नॉर्मल तरीके से भी ऐड कर सकते हैं बात यहाँ पे एक ही चीज आती है पेशेंस की जितना अच्छा आपका पेशेंस होगा उतना अच्छा आंसर आएगा लेकिन पेशेंस आपको कब काम आने वाला है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होगी तो प्रैक्टिस को अच्छी तरीके से करने के लिए लगातार आपको टाइम देना पड़ेगा दो घंटे तीन घंटे अगर आपका मैथ्स वीक है तो चार पांच घंटे आपको लगातार मैथ्स पे देना चाहिए अच्छी बुक्स कोई खरीद लो जहां पे आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी होगी तभी वो स्ट्रांग होगा नाइन और फोर को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा थर्टीन कितना आएगा थर्टीन तो थर्टीन आपको पता है ना कि दो डिजिट एक साथ राइट नहीं कर सकते हैं ओके तो वंस डिजिट को यहां पे लिखिए टेंस डिजिट को यहां पे आपको भेज देना है हासिल में कैरी में फिर इसको ऐड कीजिए तीन दो पांच तीन आठ और आठ एक नौ हो गया ठीक है चार और तीन कितना हो गया सात आठ और नौ सत्रह सत्रह पांच बाईस का दो हो गया कैरी कितना हो जाएगा ऊपर दो हो जाएगा सात पाँच कितना हो गया बारह बारह और छ कितना हो गया अट्ठारह अट्ठारह दो कितना हो गया बीस एक बार फिर से चेक करते हैं नौ चार तेरह तीन कैरी एक हो गया तीन दो पाँच पाँच एक छ तीन नौ हो गया चार तीन सात आठ नौ सत्रह पाँच बाईस का दो कैरी दो हो गया सात पाँच बारह छह अट्ठारह दो बीस तो ये आंसर यहां पर आ रहा है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और ये क्वेश्चन कराया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया बाकी ये सभी आपके लिए एसडबलू के फॉर्म में है यह सभी आप ट्रिक के माध्यम से कीजिएगा जहां पे आपको ट्रिक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वहां पे आप ऑर्डिनरी मेथड का यूज कीजिए जिस मेथड का यूज हम लोग करते हुए चले आ रहे हैं आप कुछ ये चीजें क्लियर हो गई होंगी चलिए अब देखिए प्रश्न का स्तर कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है यह है प्रश्न का स्तर आपको चीजें अगर विजिबिलिटी कम होगी अगर विजिबिलिटी आपको कम लग रही होगी तो थोड़ा विजिबिलिटी में यहां पे विजिबिलिटी सही कर देता हूं एक चलिए आप आपको चीजें मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से दिख रही होंगी ठीक है क्वेश्चंस यहां पे समझिए क्वेश्चन क्या है बच्चा क्वेश्चन क्या है राम परचेस्ड वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री मार्बल्स इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में फर्स्ट मंथ में राम ने परचेज किया 133, सॉरी 123 मार्बल्स। सेकेंड मंथ में, सेकेंड मंथ में ही परचेज, उसने खरीदा 315 गोलियां 315 मार्बल्स को उसने खरीदा राम ने हाउ मेनी टोटल नंबर आर देयर अगर क्वेश्चन में आपसे टोटल नंबर पूछ रहा है टोटल नंबर अगर आपसे पूछे टोटल नंबर अगर आपसे पूछे आपको वहां पे ऐड कर देना उस चीज को पहले महीने की मार्बल्स को और दूसरे महीने की मार्बल्स को ऐड कर दीजिए पांच तीन आठ दो एक तीन तीन एक चार चार सौ अड़तीस हो गया ट्रिक से भी इसको आप समझ सकते हैं वन टू थ्री थ्री वन फाइव तीन और एक कितना हो जाएगा चार दो और एक कितना हो जाएगा तीन तीन और पांच कितना हो जाएगा आठ तो आठ तीन चार चार सौ अड़तीस दोनों आंसर सेम है चाहे आप टर्म वन का इस्तेमाल कीजिए चाहे आप टर्म टू का इस्तेमाल कीजिए, दोनों पे आंसर आपको आसान चीजें इन सुल्तानपुर देर आर फाइव लैख एन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स एंड फाइव लैख नाइन सेवन थार हंड्रेड एटी एट मैन एंड थ्री लैख फोर हंड्रेड नाइन सिक्स चिल्ड्रेन फाइंड टोटल पॉपुलेशन टोटल पूछा तो टोटल में क्या करना है एड करना है टोटल में क्या करना होता है एड करना होता है देखिए आंसर को तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या कर देना है देखिए फाइव एट नाइन एट वन सिक्स ओके पांच नवासी आठ सौ सोलह पांच नवासी आठ सौ सोलह फिर इसमें देखो पांच सत्तानवे चार सो अट्ठासी चार अट्ठासी बच्चों की संख्या कितनी है तीन लाख चार सौ छियानवे ऐड कर लो ऐड कर लो छह आठ बीस का जीरो कैरी दो आठ एक नौ नौ अठारह दो बीस जीरो कैरी दो ठीक है फिर से देख लेते हैं आठ छः चौदह चौदह छः बीस का जीरो कैरी दो आठ एक नौ 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 अठारह अठारह दो बीस जीरो कैरी टू आठ दो दस दस आठ अट्ठारह कैरी एक नौ एक दस सात सत्रह सात कैरी एक आठ नौ सत्रह एक अट्ठारह की आठ हासिल एक पांच पांच दस तीन तेरह एक चौदह तो ये आंसर आ गया फिर से एक बार ऐड कर लो छह आठ बीस का जीरो कैरी दो आठ एक नौ नौ दो बीस का जीरो कैरी दो आठ दो दस दस चार चौदह चौदह चार अठारह आठ हासिल एक नौ एक दस सात सत्रह सात हासिल एक आठ नौ सत्रह एक अठारह की आठ हासिल एक पाँच पाँच दस तीन तेरह एक चौदह तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो चीजों को ऐड करके उसको अगर आप चाहो तो उसके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो तो ये रहा एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब बात करेंगे सब की सब में किस तरीके से आंसर होगा किस तरीके से आप आंसर को बनाओगे और किस तरीके से आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है ये भी यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूं तो ध्यान से समझिए देखिए सब फॉलोइंग द्वेश्चन ओरली मौखिक रूप से यहां भी आपको आंसर देने हैं पहला आंसर आपको बताना एट माइनस सिक्स आठ माइनस छ कितना होता है तो आठ माइनस छ हो गया कितना दो सात माइनस छ कितना हो गया एक नौ माइनस सात कितना हो गया दो नौ माइनस छ कितना हो गया तीन दस में से दस जाएगा तो जीरो पंद्रह में से दस जाएगा तो पांच पचास से पच्चीस निकलेगा तो पच्चीस एक सौ पचास से पचास निकल गया तो सौ ये ओरल चीजें हैं ये चीजें आपको आती होंगी देखिए प्रॉब्लम कहां पे होती है जब वर्ड प्रॉब्लम आते हैं है ना वर्ड प्रॉब्लम जब आती है तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहां पे देखिए ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा आसान है सिक्सटी थ्री में से सिक्सटी टू निकल जाएगा तो आंसर बचेगा वन फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव फोर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव देखिए सबसे पहले इसका ऑर्डर मेथड देखो फोर थ्री टू फाइव इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट किया माइनस किया ऊपर प्लेस लिख दिया तीन से पांच नहीं जाएगा तो ऊपर क्या करते हैं तो तो है। ट्रिक से देखो क्या करना है ट्रिक समझिए मैंने लिखा फोर थ्री टू और फाइव एक किसी भी डिजिट को यहाँ पे कर लेना है क्या उसको राउंड ऑफ करना है तो 25 को राउंड ऑफ करोगे तो पांच ऐड करोगे ये होगा 30। और तिरालीस में भी वही पांच को ऐड कर देना हो गया कितना 48 कितना हो गया 48। तो आठ से जीरो निकल गया तो आठ ही आएगा चार से तीन निकल गया एक इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया अठारह फिर से समझिए क्या करना है सबसे पहले राउंड ऑफ करना है क्या करना है राउंड ऑफ राउंड ऑफ

ये ट्रिक है ये देखिए 324 में से 201 को माइनस करना है 324 में से किसको माइनस करना है 201 को 201 तो को नॉर्मल तरीके से तो इसको नॉर्मल चार से एक निकलेगा तीन दो तीन से दो गया तो एक इस तरीके से चीजों को आप करेंगे ठीक है तो जो भी क्वेश्चन हैं यहां पे आप कीजिएगा बेसिक मेथड से आइए सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड

मेले से अब आपको बताना है अब आपको बताना है मेले में कितनी दुकानें हैं मेले में कितनी दुकानें हैं जितने शॉपकीपर उतनी दुकान तो दो से जीरो निकल गया तो दो पांच से पांच गया तो दो चार से तीन गया तो एक तीन से एक गया तो दो इतने शॉप्स वहां पे हैं इतने शॉप्स वहां पे बचे हुए हैं मेले में आपको सिंपली माइनस कर देना ठीक है हाउ मेनी का क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी शॉप्स आर लेफ्ट लेफ्ट की बात आए तो की बात आएगा तो अच्छा हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन फेयर मेले में कितने हैं ठीक है या कितने नहीं हैं इन सब के लिए माइनस करना पड़ेगा Next question क्या जनवरी में तीन सो सत्ताइस एलईडी को खरीदा किसने एक दुकानदार ने एंड फोर हंड्रेड नाइनटी सेवन एलईडी और चार सौ सत्तानवे एलई डी को फरवरी uh, में खरीदा ठीक है ही सोल्ड फाइव हंड्रेड सेवन एलईडी और उसने कितना बेचा तो पांच सौ सात एलईडी बेच दिया हाउ मेनी एलईडी टेलीविजन बचे हुए हैं शॉप में कितने टेलीविजन बचे हुए हैं यह आपको बताना है तो यहां पे ध्यान से समझिए जनवरी में जनवरी में कितना परचेस किया थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन फेब में कितना किया तो फैम ए फोर हंड्रेड नाइन्टी सेवन अब आपको बताना है कि पाँच सौ सात उसने क्या किया बेच दिया पाँच सौ सात उसने क्या किया सोल्ड आउट किया सोल्ड किया अब आपको बताना है टोटल कितना उसके पास है तो पहले इनको आपको ऐड कर लेना है ये ऐड कीजिए तो सात सात चौदह की चार हासिल एक नौ दो ग्यारह एक बारह की दो हासिल एक चार तीन सात एक आठ आठ सौ चौबीस में से पाँच सौ सात को माइनस कर दीजिए आंसर आ जाएगा चौदह से सात जाएगा तो सात यहाँ पे जीरो और यहाँ पे आठ से पांच निकल गया तो तीन इसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो इस वाली नंबर को इस वाले नंबर के साथ अगर आप ऐड करोगे ऊपर वाली नंबर आ गई तो समझ लीजिए आंसर आपका एकदम करेक्ट है तो तीन सौ सात को आठ सौ चौबीस में एक बार ऐड करके देख लीजिए तीन सौ सात प्लस आठ सौ चौबीस सात चार ग्यारह एक हासिल एक दो एक तीन और आठ तीन एक मिनट तीन सौ सात में पांच सौ सात को ऐड करना है तीन सौ सात में पांच सौ सात को सॉरी तीन सौ सात प्लस पांच सौ सात 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 चौदह की चार एक हासिल आ गया एक इधर आ जाएगा पांच और तीन आठ आठ सौ चौदह आठ सौ चौदह यहाँ पे एक सीट देखते हैं तो सत्रह सात से सात गया जीरो बारह में से नौ गया तो तीन बारह में से नौ गया तो एक से सात सात चौदह चा। चा। चार हो गया नौ दो ग्यारह यहाँ पे यार वन आना चाहिए तभी तो देखिये यहाँ से आपको पता चल गया ना फॉल्ट कहाँ पे है इसको ऐड करोगे सात सात चौदह की चार हासिल एक नौ दो ग्यारह एक बारह की दो हासिल एक चार तीन सात एक आठ आठ सौ चौबीस आ गया माइनस पाँच सौ सात एक बार फिर से कर लेते हैं चौदह से सात गया सात यहाँ पे एक बचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ठीक है ठीक है आठ से पाँच गया तो तीन तीन सौ सत्रह तो तीन सौ सत्रह यहाँ पे क्या कर देंगे कर देंगे क्या तीन सौ सत्रह और तीन सौ सत्रह में पाँच सौ सात को ऐड करोगे तो सात सात चौदह की चार हासिल एक एक, एक, एक दो पाँच तीन आठ आठ सौ चौबीस ठीक है ये आंसर अब सेम आ गया में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कॉल्स आ रहे थे ठीक है तो ये है क्वेश्चन आपके लिए आपने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया ये एच डब्ल्यू का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ अ समर कैंप फोर्थ

87,950 एनिमल्स वर लेफ्ट इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट करना है ठीक है ये बेसिक क्लास रही कल वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिविजन को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद